तो आई एम लकी स्टार के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे डोंग के साथ बातचीत कर रहा था। अब उससे पूछ रहे थे ट्रेनिंग कैसे चल रहा था, बढ़िया। और ये जैसा हो रहा है चेक कर देना, तो उसका हो रहा है यहाँ पे रेड कलर का था। इसका मतलब ये स्टेज के अर्ली लेवल पर, यानी सबसे लो लेवल पर है। कोई बात नहीं, इसका प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। उससे कहते सुन में जो वुल्फ गैंग यहाँ पर ना, हाँ तो वुल्फ गैंग जो चौंग सिटी ना भाई, चौंग सिटी में वहाँ पर लेके चल जाओ। वो भी कहता चौंग सिटी में क्यों? वो कहता वेल वहाँ पे श्री नाम का बेसिकली जेड का बिजनेसमैन यहाँ पर है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है भाई, उसको भी मेरी तरह भाई सिखाया, वो भी मेरा यहाँ पे स्टूडेंट ही है और तेरा बेसिकली यहाँ पे जूनियर ही लगेगा भाई, तेरे बाद मैंने उसको सिखाया है। हाँ तो उसके पास यहाँ पे जाओ, उसके साथ में मिल। ये भी कहता वेल तो मेरा जूनियर लगे क्या? वो कहता हाँ क्या ना, वहाँ वो बिजनेस करता काफ़ी अच्छे चलता है, लेकिन वहाँ पे गैंग बेसिकली टाइगर गैंग वो आके हमेशा परेशान करती थी। उनके लीडर को मैंने सबक सिखा दिया, लेकिन पूरा गैंग अभी बर्बाद नहीं हुआ, आगे चल के प्रॉब्लम करने के लिए और भी आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तू अपने वुल्फ गैंग को वहाँ पर लेकर चल जा, जिसके वास्ते भाई ना वो लोग कोई ऐसा लफड़ा करने आए, तू अपने गैंग को ले जाकर उनको सबक सिखा सके। जो सुनते ये भी कहता बॉस टेंशन मतलब फिर तो समझो भाई यू चुटकी भर के यहाँ पे खेला। ये भी कहता हाँ भाई उसका दिमाग, उसका टैलेंट, तेरा पावर, तुम लोग मिलकर देखना भी काफ़ी अच्छे से काम करोगे, वो तुम्हारे सारा कॉन्ट्रैक्ट भी अरेंज कर देगा, बहुत जल्दी तुम लोग मिलकर जैसे काम करोगे पैसे वाले हो जाओगे। ये भी कहता या बॉस आपको टेंशन लेने की आप कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा काम मेरे ऊपर यहाँ पे संभाल दो। उसके बाद से यहाँ पे जो डोंग है ना घर के बाहर इनको छोड़ देता हूँ, कहते हो ठीक है बॉस भाभी भाई, इतना बोल के निकल जाता। ये दोनों भी वही अपने कमरे में ऐसा जा रहे थे, और जैसे जाते ना यहाँ पे फेंक कुछ ऐसा अजीब लगता, वो भी घबरा जाते कह रहे बाप ये क्या है। तो मेंग यहाँ पे कहती अरे क्या हुआ, कुछ ऐसा अजीब लगा क्या? ये यहाँ पे कहते ना कुछ भी अजीब नहीं, कोई बर्ड यहाँ पे होगा। वो कहती बर्ड कौन सा बर्ड? वो कहते बस होगा कोई बर्ड, ध्यान देने की कोई भी तुम्हें ऐसा जरूरत नहीं, इनके बीच में ऐसी बातचीत होता है। उसके बाद से मेंग कमरे में चल जाती है, और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि ये आई थी भाई लियू, इस लड़की को यहाँ पे भूलिए मत। हाँ तो जैसे मेंग जाती है ये भी घर के बाहर आता है, आवाज़ देता कहता भाई ए लियू तू क्या करी भाई यहाँ पे, क्या करनी है, क्या नोटंगी करी भाई, चल जाए यहाँ से। जो सुनते वो भी यहाँ पे कहती है वेल हाँ ये बातें यहाँ पे ठीक नहीं है, देख भाई तूने मुझे क्या काम दिया था, तेरे मम्मी पापा के प्रोटेक्शन करने का ना, तो तेरे मम्मी पापा यहीं पर रहते इसलिए प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आ गया। जो सुन ये यहाँ पे कहता ना भाई तेरे ऐसी कमी नहीं रहा, तो भाई कोई काम यहाँ पे सही सलामत अच्छे से यहाँ पे नहीं करती, कोई ना कोई लफड़ा यहाँ पे करती है, तो लफड़ा करने यहाँ पे आई है ना या आई नो आई नो आई नो आई नो, इसलिए दफा हो जा। वो यहाँ पे कहती है मैं अभी अभी यहाँ पे आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पे दफा करो, ये तो गलत बात। ये चिल्लाते तो हाँ क्या करने अभी, कल मेरी शादी होने वाली है, तू आज यहाँ पे नोटंगी करनी आई है क्या, तुम मेरे यहाँ पे गिफ्ट लेकर आई क्या? और हाँ कल शादी हो, बेसिकली मेरे खास से ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया था, लेकिन शायद नहीं कल ये बात यहाँ पे कर रहा है, देखते भाई कल यहाँ पे शादी होती है या फिर नहीं होती है। और एंड देन उसके बाद तभी ये उसका पावर डिडेक्ट करने की कोशिश करता है लियू का, लेकिन पावर यहाँ पर डिडेक्ट नहीं होता, ये भी हिल जाता भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। ये वेन स्टेज पर होगी फिर तो भाई पावर डिडेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये वेन स्टेज के ऊपर जा चुकी रहेगी, यानी हुआ स्टेज पे तब जाके मैं डिडेक्ट यहाँ पर नहीं कर पाऊँ, लेकिन ऐसे कैसे हुआ स्टेज पर चल जाएगी। मैंने इसको जो बुक दिया था ना बुक में खाली आधा टेक्निक यहाँ पर लिखा हुआ था, और आधा टेक्निक सीखे कोई वेन स्टेज पर नहीं जा सकता, मैंने टोटल 5 वॉल्यूम सीखा तब जाके मैं गया सामने। सो चिल्लाता भी कह रहे यार कैसे 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 तूने यहाँ पे कैसे किया, जो सुन वो भी कहती क्या क्या कैसे मैंने किया, ये बोलते डांटा करने की तुझे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तो हुआ स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके, तभी तो तेरा पावर यहाँ पे डेड करना पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल है, मतलब तू मतलब कैसे तूने कर लिया। वो यहाँ पे कहती है वेल अच्छा है तू मेरा पावर डिडेक करने के यहाँ पे कोशिश करे, तुझे इतना मालूम चल चुका है, इसका मतलब भाई पक्का तू भी हुआ स्टेज के ऊपर जा चुका है, लेकिन हुआ स्टेज के तू अभी अर्ली लेवल पे यानी सबसे नीचे पे ही है। जो सुनते ये हिल देख सकते हैं, जैसे वेन स्टेज पर यहाँ पे अर्ली मीडियम लेट और पीक रहता है, क्या वाकई में इस पर भी वैसे ही रहता है। वो यहाँ पे कहती है यार, ये कहता अरे हाँ लेकिन तू मेरा दिमाग यहाँ पे खराब मत कर, मैंने तुझे जो बुक दिया था उसमें बस आधी टेक्निक थी, आधी भी नहीं आधी सी भी आधी यहाँ पे बहुत कम थी, फिर कैसे भाई तेरी पावर इतना ज़्यादा मिल सकता भाई, मुझे बताइए तूने कैसे किया। जो सुनते ये कहती है वेल मतलब मैंने पावर यहाँ पे देख, मेरा पावर यहाँ पे बहुत पहले से इतना जा चुका था, बस रीस्टोर हो गया भाई जो कि पहले से नहीं हो रहा था, बस तेरा बुक मैंने यूज किया जिसके बाद से जो भी मेरा पावर अंदर भाई जो स्टोर हो रखा था रिकवर नहीं हो रहा था वो रिकवर यहाँ पे फाइनली हो गया, और 20% यहाँ पे लगभग रिकवर हो चुका है। ये भी कहता बस 20%, लेकिन 20% में तो इतना यहाँ पे पहुंच गई। वो यहाँ पे कहती या मैं वाकई में 20% में इतना चली गई, और बाकी आधा भी सीखूंगा तो धीरे धीरे पूरा पावर यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो वो भी कहता अच्छा तो जो बाकी जो वॉल्यूम तू जो चाहिए ताकि भाई तेरा पूरा पावर यहाँ पे रिकवर हो जाए। ये भी कहती स्मार्ट भैया मैं वाकई वॉल्यूम के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो ये कहता हाँ लेकिन मैं इतना आसानी से यहाँ पे देता नहीं भाई, कंडीशन से यहाँ पे होती है, अगर कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है तब। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहती हाँ हाँ मुझे बात मालूम है, लेकिन मैं तुझे कमाल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, टांग नाम का वो बंदा भाई जिसको तूने जान से मारा, जिसने भाई तेरी महबूबा के साथ भाई जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसे तूने जान से मार दिया, लेकिन उसका एक छोटा भाई है वो अब तेरे टीचर के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ, क्या नाम है लू यून, तो बचा लो उसे। ये भी क्या क्या इसी बात है क्या? उसके
उसके बाद सीन शोधन उसी को छोटे बात भाई पे टांग इसको भी बोलूंगा भाई दोनों का सरनेम यहाँ पे हुई है। तो इसका आता है भाई क्या बोल सकते हैं सिक्योरिटी वाला वो आते यहाँ पे कहते वेल 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 हमें यहाँ पे मालूम चला है कि जो है ना फेंग वाई फेंग यहाँ पे शहर में देखा गया है। वो भी कहते क्या बात कर सच्ची में कहाँ देखा गया है। तो बताता जो मेरे घर की छोटी मालकिन थी शुयान हाई शुयान के घर के लिए काम करता है कि यहाँ पे उनके मोबाइल पर ना कुछ दिन पहले यहाँ पे कॉल आया था बातचीत वगैरह हुआ उसके बाद से हमने पता करने की कोशिश की तो सिटी में चौंग सिटी में था एंड देन उसके बाद से अचानक से ना ट्रेन लेके भाई अपने सिटी में चला गया जहाँ पे बेसिकली वो अपने घर पे ही जाएगा। ये भी कहता वो के तो अपने घर पे गया ना कोई बात नहीं आदमियों की एक टीम को यहाँ पे तैयार करो और भेजो उसको मरवाने के लिए। सिक्योरिटी वाला कहता है कि ना इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है जैसे हमें खबर आई हमने तीन आदमियों को ग्रुप यहाँ पे भेजा उसको मरवाने के लिए लेकिन तीनों के तीनों ग्रुप वाले यहाँ पे मर गए। किसने मारा कब मारा कैसे मारा कुछ आइडिया नहीं लगा। उसको मारने वाले बेसिकली और नहीं बल्कि ल्यू नहीं मारा था हम उसका सिक्योरिटी वाला बताता कि हाँ भी लोगों ने मुझसे ऐसा कहा भाई फेंग बड़ा टैलेंटेड स्किल वाला बंदा है उसके जान पहचान के ढेर सारे बड़े बड़े फैमिली के बंदे लोग जो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे उसकी मदद करेंगे तो उन्हीं में से कोई यहाँ पे करोगा। प्लस ये टोंग फैमिली जो गोंग फैमिली है ना भाई उन्होंने भी हमारे बीच में आके हमें नुकसान पहुंचाया भाई वो लोग भाई पैसे के मामले में भी हमसे ज़्यादा और पावरफुल के मामले में भी हमसे यहाँ पे ज़्यादा आगे निकले जा रहे हैं और वो भी उसके सपोर्ट में यानी समझो ना भाई काफ़ी गड़बड़ की बात है। हाँ तो ये भी कहता है मैंने उसका छोटा भाई ओके तो ये बात मुझे ही मालूम है लेकिन मैं भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता कोई ना कोई तरीका यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा फेंग से भाई जो कांड हो रहा है उसका भी प्लस मेरे भाई की मौत का बदला। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता है लू यून के घर पर हुई जो टीचर थी घर के बाहर इसी के कुछ गुंडे वगैरह यहाँ पे पहुंचे हुए थे या फिर आई डोंट नो किसके गुंडे बस गुंडे यहाँ पे थे जो दरवाजे के बाहर मुँह तरे हैं पूरा कचरा कर रहे हैं पेंटिंग वगैरह यहाँ पे फालतू बना रहे चिल्ला रहे कि साली कमीनी रंडी की बच्ची बाहर भी हमने ऐसा सुना तू बहुत छिना ले ये सब करते किसी भी आदमी के साथ यहाँ पे सो जाती है तो हम भी भाई बड़े कमाल के बंदे भाई हमारे साथ यहाँ पे सो के दिखा जो जो से चिल्ला रही है अंदर खाली वो रोए जा रही है। हाँ अपने बेड पर बैठी हुई है भाई ऐसे पूरा चद्दर वदा उड़ के फेंक कर याद कर यहाँ भी फेंक प्लीज मुझे बचा लो जो गुंडे लोग चिल्ला बिला के थक जाते कहते चलो चलो बाद में कभी आएंगे बाद में कभी ना कभी तो उसका दरवाजा यहाँ पे खोलना ही पड़ेगा। शीश होता भाई वापस से फेंक हो जाएगी फ्रेड लेकिन वापस ये चौंग सिटी में आता है जहाँ पे ये टीचर रहती है वो भी सोचती है शीट वो जो कांटा ना टांग फैमिली का उसके बारे में भूल ही चुका था वो मुझे मालूम था भाई जो भी मतलब जो हुआ ना उसके बाद चलो मेरी फैमिली के पीछे मेंग के फैमिली के पीछे पड़ेंगे लेकिन उनके पीछे मैंने टांग फैमिली और साथ में दूसरी गोंग फैमिली वगैरह को लगा दिया था प्रोटेक्शन के लिए इसलिए वो चाह के उनको कुछ उखाड़ नहीं पाए लेकिन अपने टीचर के बारे में शुई उनके बारे में तो एकदम मैं भूल ही गया था वो लोग इनके पीछे पड़ गए। कोई बात नहीं बस ऑल इज वेल भाई आप सही सलामत रहो मैं आके आपकी जान पूरी बचाने की कोशिश करूंगा और फिर चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म तो मिलता है अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।